नमस्कार पीएम न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ राजू मिश्रा। विशेष जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जैन अफीम मामले पर हिंदू पक्ष के वकील ने क्या कहा, देखिए। आया है नोट, फैसला अपने पक्ष में आया। हमारे प्रार्थना पत्र को मान के चलिए, नोटिस जाएगा, उनके जो है अधिकारी जो है पूरी टीम आएगी, हाजिर होगी कोर्ट में, और कोर्ट फिर वो कोर्ट में अपना जो है देंगे कि जो है हम किस तरह जो है ये जांच करेंगे। सारे बिंदु, जितने बिंदु हमने दिए थे, एक एक बिंदु को उन्होंने स्वीकार किया है। समाज को देता हूँ, आज का दिन हम लोगों के लिए बड़ा शुभ दिन है और हमारे इस पूरे मुकदमे में ये टर्निंग प्वाइंट है। दिन तय कर देगा SI अपनी जाँच में, और तय होना है जिस दिन ये तय होगा कि ये जो है मंदिर को स्ट्रक्चर को तोड़ के मस्जिद का रूप दिया गया है, उसी दिन हमारा जो है ये मुकदमा जो विवाद है लगभग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन SI ये जांच करके ये बताएगी कि ये परिसर जो है स्ट्रक्चर जो है काफी पुराना है, औरंगजेब के पहले का है, हजारों साल सैकड़ों साल पुराना है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट इनकी थ्योरी जो है औरंगजेब और मस्जिद का अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ा फैसला जो है हम लोगों के लिए है, और हम लोग बधाई जो है कि पात्र पूरे देश को बधाई दे रहे हैं, हिंदू समाज को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कदम बढ़ गए हैं ये जीत की ओर, हमारे बहुत जल्द से जल्द ये मुकदमा सॉल्व हो जाएगा। अब अगली तारीख का भी पता कर लें हम लोग भी। अभी पूरा कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट ने हमारे जो प्रार्थना पत्र था SI जांच का स्ट्रक्चर एज को जानने के लिए हमने जो प्रार्थना पत्र दिया था, उन सारे जो है स्वीकार करते हुए उन्होंने आदेशित कर दिया है कि अब आप इसको जो SI को उन्होंने आदेशित कर दिया। अब SI जांच करेगी, जांच करके उसका स्ट्रक्चर उसके नेचर को बताएगी कि इसका कितना पुराना स्ट्रक्चर है, मंदिर का स्वरूप है, ये मंदिर है या मस्जिद है, ये सारी चीजें जांच करके बताएंगे। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कई फिर और खबरों के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।